This conference will now be recorded. तो मेरे भाई एक क्वेश्चन लिखें जरा, y इज इक्वल टू 4x² - 8x + 10। इसका मुझे पहले मिनिमा और मैक्सिमा बता दें ताकि आइडिया हो जाए कि आप लोग भूले नहीं हो। मिनिमा या मैक्सिमा का हमें आइडिया हो जाएगा जी। पहले ये आप करके दे दें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सबके आंसर मिल गया है कि मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 1। मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 1। क्या किया था पहला स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव। हम फर्स्ट डेरिवेटिव को y 1 लिख लेते हैं। 8x - 8, फिर हम इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। 8x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। ओके होगी बात। चैलेंज, फिर हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया, वो 4 आ गया, दैट इज पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव आता है सेकेंड डेरिवेटिव तो मिनिमा, और अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमा या मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। यहां तक बात सबको क्लियर है? चलें जनाब, यहां पर तो हमने ये सीखा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम उसका मिनिमा या मैक्सिमा चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा अगर क्यूबिक इक्वेशन हो या उससे बड़ी इक्वेशन हो तब क्या करेंगे? तो लिख लें एक सवाल, y इज इक्वल टू 4x³ - बल्कि प्लस लिख लें 20x² - 10x + 200। अगर हम इसका मिनिमा और मैक्सिमा देखें तो कैसे देखेंगे? अगर हम तो पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं फिर आपसे करवाऊंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस 40x - 10। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो या अपने अपने कैलकुलेटर में पुट कर दो और एक्स की दो वैल्यूज बताओ।
अपने अपने कैलकुलेटर में पुट करो और x की वैल्यूज बताओ, जल्दी कर लो जरा। तो पुट करनी आती है ना, जिसको नहीं आती वो मेरे साथ बोले। पहले ऐसा करो, मॉड प्रेस करके वहां पर इक्वेशन में जाओ, 5 नंबर पे इक्वेशन लिखा हुआ है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 नंबर पे आएगी, 3 प्रेस करो, फिर आपके पास ए बी सी लिखा आएगा। तो ए की जगह 12, बी की जगह 40 और सी की जगह -10 पुट करो। तो बताएं दोबारा जनाब, एक्स की दोनों वैल्यूज, एक आती है 0.23 और दूसरी भी वैल्यू बता दो, -3.57। हाँ जी जनाब, दानों की बात। पहले हमारे पास x की एक वैल्यू आती थी, अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। पहले हमारे पास x की एक वैल्यू आती थी, अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं। ओके होगी बात। तो हमारे पास पॉइंट भी दो आएंगे, हमारे पास पॉइंट भी दो आएंगे। तो जल्दी करें जनाब, हम दोनों पॉइंट फाइंड कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेकर। 24x plus 40। जी मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में बारी बारी दोनों इक्वेशन पुट कर देंगे, सॉरी दोनों पॉइंट्स पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। बारी बारी x की वैल्यू एक दफा पुट करेंगे 0.23 और y 2 के अंदर ही 24x plus 40, y2 के अंदर ही एक दफा पुट करेंगे -3.57। ओके होगी बात। पुट करो जरा, y2 पहले 0.2355 वाला कितना आ रहा है, पहले पुट करो जनाब, y2 पहला कितना आ रहा है, पहले वाला y2 सिर्फ बताएं 45.59, फिर दूसरे वाला बताएं -45.68। लो जनाब, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया। तो मेरे भाई, जो पॉजिटिव आ रहा है वो आपको पता है कौन सा पॉइंट होगा, हम लिखेंगे ये पॉजिटिव आ गया, फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0.23। फंक्शन इज मिनिमम एट x is equal to 0.23। और यहां पर क्या लिखेंगे, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x is equal to -3.57। जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसमें और इसमें फर्क क्या है, पहले सेकंड डेरिवेटिव में डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता था, पहले सेकंड डेरिवेटिव में हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमने x की बारी बारी वैल्यूज पुट करनी है, फिर हमारा आंसर आएगा।
बात क्लियर हो गई ना। अच्छा अगर इन दोनों का वाई चाहिए होगा तो क्या करेंगे? अगर दोनों पॉइंट्स का वाई चाहिए होगा तो क्या करेंगे? है किसी को आइडिया? जी तो जनाब इस एक्स की वैल्यू को भी वाई के अंदर पुट कर देंगे और इस एक्स की वैल्यू को भी वाई के अंदर पुट कर देंगे, दोनों को बारी बारी वाई में पुट कर देंगे तो हमारे पास इनकी वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके होगी बात। तो अब एक क्वेश्चन पे लिखें जो आपने करना है, y इज इक्वल टू 20x³ + 300x² - 100x + 400। जल्दी से मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट बताएं, जल्दी से मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट बताएं। जी जनाब जैसे ही आप क्वेश्चन कर लेना मुझे बता देना फिर। इसमें दोनों पॉइंट्स फाइंड होंगे, शानिम बेटा साथ ये भी बताना है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। चलें जी, कुछ लोगों का आंसर आ चुका है और कुछ लोगों का आंसर स्टिल रहता है। एक मिनट और आपके पास है, जो बाकी रह गए जल्दी से पहुंचे। चलें जी मैं अब सॉल्व करवाता हूं, जिसका नहीं हुआ वो साथ साथ मेरे सॉल्व करे। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 60x² + 600x - 100। पहले तो यहां बताएं कि यहां सबका ओके है, 60x² + 600x - 100। ओके होगी बात। हारिस कह रहा है कि नहीं ओके okay।
तो मेरे भाई हरीश भाई आपका आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का? आप अपना माइक ऑन करके पूछें। ये तो हमने पहला डेरिवेटिव लिया है ना, पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया पावर, पहले पावर में से कम, फिर हमने दूसरे का डेरिवेटिव लिया, सबका हमने बारी बारी डेरिवेटिव लिया। तो अगर आपको डेरिवेटिव ही नहीं आता तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। डेरिवेटिव तो हम खत्म कर चुके हैं, अब तो हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। चलें जी, फिर इसको जीरो के बराबर पुट करते हैं, तो बताएं जनाब एक्स की दोनों वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? एक एक्स की वैल्यू आ रही है 0.16 और दूसरी क्या आ रही है? दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? -10.16। एक वैल्यू आ रही है 0.16 और एक वैल्यू आ रही है 10.16, -10.16। लो मेरे भाई, अब हम लोग के लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, लो जरा इसका सेकंड डेरिवेटिव। वाई टू इज इक्वल टू 120x+600, 120x+ एक दफा x इज इक्वल टू 0.16 पुट करेंगे और एक दफा -10.16 पुट करेंगे। ओके होगी बात? तो जनाब पहले मुझे बताएं कि इसमें y2 की जगह y2 हमारे पास आ गया 120 इंटू 0.16+600 और एक दफा हमने पुट कर दिया y2 इज इक्वल टू 120 इंटू -10.16+600। पहला y2 पॉजिटिव आ रहा है, हम कहेंगे मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0.16 और दूसरा हमारा नेगेटिव आएगा, हम लिखेंगे मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू -10.16। क्लियर होगी बात जनाब? हाँ जी जनाब, आगे चलें फिर। जी जनाब आगे चलते हैं, एक सवाल और मुझे करके दे दो तो हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। और इसमें आपने मुझे वाई भी दोनों का फाइंड कर देना है, मतलब पूरा मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट चाहिए होगा, पूरा पूरा, सिर्फ एक्स की वैल्यू नहीं, दोनों की वाई की वैल्यू भी चाहिए होगी। वाई इज इक्वल टू 4x³+8x² - 2x+10। चलें करें स्टार्ट इसको।
उसामा भाई वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है दोनों केसेस में, मिनिमम पॉइंट की पूरा पॉइंट फाइंड करना है, इसकी वैल्यू नहीं बतानी। चलें जी देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव 12x² + 16x - 2, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। बताओ जनाब x की दो वैल्यू जो आई है वो बताओ क्या क्या आई है। x की दोनों वैल्यूज बता दें क्या क्या आई हैं। एक आई है 0.115 और एक आ रही है 0.-1.4। राइट, फिर हम लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव 24x + 16, इसमें बारी बारी दोनों x की वैल्यूज पुट कर देंगे। हाँ जी, पहले मुझे बताएं y2 के अंदर आपने पुट किया 24 × 0.55 +16, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लिखेंगे ये हो गया मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0.115 ही है ना, और दूसरा हमारा y2 24 × -1.44, ये नेगेटिव आएगा। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1.44, और यही दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे y के अंदर, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों का अपना अपना वाई आ जाएगा। ओके की बात। चलें जी, ये तो था हमारा मिनिमम और मैक्सिमम कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम। नेक्स्ट हमने सीखना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
सबसे पहले आप नोट लिखें, एक छोटा सा नोट लिखें कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट इज ऑन टर्निंग पॉइंट ऑलवेज. मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट ऑन टर्निंग पॉइंट. देखो ना, ये ऐसे होता है ना, या ऐसे. मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, वो हमेशा टर्निंग पॉइंट के ऊपर होते हैं. लेकिन अगली बात ये भी है कि हर टर्निंग पॉइंट जरूरी नहीं है कि मिनिमम या मैक्सिमम हो. हर टर्निंग पॉइंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो. हाँ, ये जरूरी है कि जब भी मिनिमा या मैक्सिमा होगा कोई पॉइंट, तो उसके लिए टर्निंग पॉइंट होना जरूरी है. वो दरमियान में किसी जगह नहीं हो सकता जब तक वो टर्न नहीं लेगा. तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इसके बरक्स है. सपोज दैट हमारे पास ये एक टर्निंग पॉइंट है ए, और ये एक टर्निंग पॉइंट है बी. पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इनके दरमियान में कहीं होगा. पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन दो टर्निंग पॉइंट्स के दरमियान में होता है. यहां पर वो एक फिजिक्स की टर्म इस्तेमाल करता है. फिजिक्स में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे एक मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर. ठीक है, तो ये वहां की एक टर्म इस्तेमाल करता है कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज इन बिटवीन कन्वेक्स या कनकेव अपवर्ड टू कनकेव डाउनवर्ड. क्योंकि ये ऐसे होता है ना, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, इनके दरमियान में कहीं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होता है. तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के बारे में कुछ बातें लिख लें. पहली बात, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट. ओके होगी बात. दूसरी बात लिखें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इन बिटवीन कन्वेक्स डाउनवर्ड टू कन्वेक्स अपवर्ड एंड वाइस वर्सा. पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज इन बिटवीन कन्वेक्स डाउनवर्ड टू कन्वेक्स अपवर्ड एंड वाइस वर्सा. तो मेरे भाई, दो बातें हो गई. एक तो हो गई कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट. दूसरी बात हो गई कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन इज इन बिटवीन कन्वेक्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड या वाइस वर्सा, मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड. तीसरी बात है इसमें कि एट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन एट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन सेकेंड डेरिवेटिव इज जीरो. एट मिनिमा और मैक्सिमा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? मिनिमा और मैक्सिमा के लिए या ये पॉजिटिव होता है या ये नेगेटिव होता है. लेकिन पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है. ओके की बात.
चलें जी आगे चलते हैं। लास्ट बात, आपको याद होगा कि हमने मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में पूछा था कि मिनिमा से पहले पॉजिटिव होता है, मिनिमा से पहले नेगेटिव होता है, बाद में पॉजिटिव होता है, और मैक्सिमा के लिए पहले पॉजिटिव होता है बाद में नेगेटिव होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले और बाद में या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यानी डिफरेंट साइन नहीं होंगे, यानी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन Before and after point of inflection, either slope is positive or negative. मतलब point of inflection से पहले भी positive होगा तो बाद में भी positive होगा, और अगर पहले negative होगा तो बाद में भी negative होगा, इसके different sign नहीं होंगे। ओके होगी बात। चलो जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थ्योरेटिकल तो खत्म हो गया, अब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने लगा हूं, क्योंकि आज हमने इसको खत्म करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी, और कल इंशाल्लाह हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। जी शानिम, क्या पूछना चाह रहे हो? हम ये चार प्रॉपर्टीज लिखी हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, के पहली बात के ये टर्निंग पॉइंट नहीं होता, दूसरी बात ये कन्वेक्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड के दरमियान में होता है, तीसरी बात यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है, और चौथी बात पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन के पहले और बाद में या स्लोप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, डिफरेंट साइन नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वाई इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 100। अगर इसका मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करना हो तो उसका और रूल सॉरी, और अगर इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है तो और रूल है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पहला स्टेप, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लो, फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकंड डेरिवेटिव भी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करते हैं। करो जरा, तो 24x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 को 24 पे डिवाइड कर दो, 3.33। तो आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट 3.33, और अगर इसका y चाहिए तो क्या करोगे, अगर इसका y चाहिए तो इसको उसी तरह से ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो इसका y आ जाएगा, तो ये हमारे पास y है, यहां पर हम पुट कर देते हैं, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बता दो, लो जनाब ये हमारा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
वाई की वैल्यू बता दो। दूसरे के इंतजार में नहीं बैठना कि वो कर रहा होगा, खुद कर लो। -95.95। नुरेज का ये आंसर आया, देख लो बाकियों का, बाकियों का भी यही आ रहा है। ओके होगी बात। पॉइंट ऑफ इंफेक्शन में सेकंड डेरिवेटिव जीरो के बराबर पुट करते हैं, बाकी सारा वही। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे करके दे दो। y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 270x² x और दो y दोनों पॉइंट पॉइंट होता है ना, पॉइंट में x और y दोनों होते हैं। जो x और y की वैल्यू फाइंड किया है ना आपने, वो पूरा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। +100x - 300। जल्दी से मुझे इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करके दे दे, जल्दी से। पूरा पॉइंट फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। मतलब आपने वाई और एक्स दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के बराबर पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ जी जनाब, एक्स सबका 30 आ रहा है, वाई में पुट करके देख लो। चैलेंज ओके हो गया, सही है, सबका ही आंसर ठीक आ रहा है। थर्टी और -159300, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। ओके हो गया जनाब, तो आपका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन और मिनिमम और मैक्सिमम खत्म हो गया। आपने यही क्वेश्चन जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, यही दोबारा एक दफा खुद अपने हाथ से करने हैं, ताकि उसका सलूशन आपके पास अवेलेबल हो। तो कल हम इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे।
ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।